नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माटी और मैं में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टमाटर के बीज बोने के बारे में। तो आज जुलाई का आखिरी सप्ताह शुरू होने वाला है और ये सही टाइम है टमाटर बोने के लिए। तो अगर आप बीज से टमाटर उगाना चाह रहे हैं तो अब यही लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आप अपने टमाटर के बीजों को बोएं। और अगर आप पौधा बना बनाया लेना चाह रहे हैं, बना बनाया पौधा नर्सरी से लेके उसे लगाएंगे, तो उसके लिए अगस्त के महीने में आप पौधा लाके लगाना चाहिए। तो लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप नर्सरी से पौधा ला के लगाते हैं तो वो आपको महंगे पड़ते हैं, जबकि आप अगर सीड से लगाते हैं तो सीड आपको ये 45 रुपये का पैकेट है और इसमें करीब 50 के करीब तो होंगे ही बीज। लेकिन अगर आप पौध लेके आएंगे तो वो इतने सस्ता नहीं मिलेगा, उस ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बीज से इसे उगाएं जुलाई के एंड में, और उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, चार चार पत्ते आ जाए, तब उसको जहाँ पर भी इसको लगाना है परमानेंटली वहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो आज बीज बोने के लिए क्या किया है प्रिपरेशन मैंने, ये कोकोपीट है, सिर्फ इसमें कोकोपीट है। और कोकोपीट बहुत अच्छा मीडियम है बीज उगाने के लिए, बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है, आपको इसको मॉइस्ट करना नहीं है, बस गर्म जगह पे रख देंगे, बहुत जल्दी अंकुरित होंगे आपके बीज। तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या किया है, ये रात में मैंने कुछ बीज जो हैं वो भिगा दिए थे। तो इससे एक तो ये है कि ये जल्दी जर्मिनेट होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके कौन से बीज वायबल हैं, मतलब कौन से बीज हैं जिनमें उगने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपके बीज ऐसे नीचे बैठ जाते हैं, दैट मीन्स के ये सारे वायबल बीज हैं, ये सारे बीज अंकुरित होंगे। तो और अगर वो ऊपर ही तैरते रहते हैं, दैट मीन्स के वो बीज आपके अंकुरित नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं लगाती हूँ इनको, ये कोकोपीट है खाली, और कोकोपीट मैंने थोड़ी अलग भी रखी है। तो इनको मैं ऐसे लेके और ये फूल भी गए हैं तो ये जल्दी अंकुरित होंगे। कुछ बीज तो लग रहा है, देखिए बिल्कुल अंकुर फूटने को ही है, इतना फूल गए हैं, और ये कल परसों में ही अंकुरित हो जाएंगे। और बीज भिगाने का एक फायदा ये है ना, आपको पता चल जाएगा कि कितने बीज आपके अंकुरित हो रहे हैं, तो आप दूसरा बैच भी, अगर आपको ज्यादा पौधा चाहिए तो आप दूसरा बैच भी लगा सकते हैं। पर मुझे क्या है कि मेरे पास तो जगह नहीं है, बहुत गमलों में ही मैं उगाऊंगी। अब की मैंने सोचा है कि मैं सब्जियां कुछ उगा के देखती हूँ, तो गमलों में उगाऊंगी तो मेरे लिए पास जगह कम है, इसलिए मैंने ये, फिर भी ये मुझे लगता है 25-30 बीज तो हैं ही हैं जो मैंने भिगोए थे। ये बीज मैंने डाल दिए हैं, और कुछ बीज देखिए दोस्तों बिल्कुल अंकुरित होने के लिए तैयार हैं, मतलब लग रहा है बस अंकुर अभी फूट जाएगा, इतने फूल गए हैं ये, तो ये बहुत जल्दी अंकुरित होंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे में बिछा दिया है, और एक पतली लेयर इसकी ऊपर से मैं और कोकोपीट की डाल दूंगी, जिससे कि ये कवर हो जाए। और अब इनको इनको गर्म जगह चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और गर्मी चाहिए। कोई भी बीज हो उसको अंकुरित होने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है और गर्मी चाहिए होती है, तभी बीज जल्दी से अंकुरित हो रहा है। ये पोले हाथ से ऊपर से हल्के हाथों से डालेंगे, कोकोपीट ही है तो ये बीज दबेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। और कोकोपीट में एक फ़ायदा पता है और क्या है, अगर आप मिट्टी में लगाते हैं ना, तो आप अगर बीज बोने के बाद उसमें पानी डाल देते हैं तो बीज कई बार तो ऊपर ही उभर के आ जाता है तैर के, या फिर कई बार होता है बहुत नीचे चला जाता है, तो अंकुरित होने में प्रॉब्लम होती है। पर कोकोपीट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, कोकोपीट आपने हल्के हाथों से डाल दिया, अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मॉइस्ट, देखिए थोड़ी मॉइस्ट कोकोपीट है, और इसको मैंने थोड़ा सा पानी से स्प्रे कर दिया, मॉइस्चर इसमें ऑलरेडी है तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। और मुझे लगता है ये 2-3 दिन के अंदर ही अंकुरित हो जाने चाहिए, इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है और बीज रात भर के फूले हुए हैं तो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको अब मैं
किसी गर्म जगह में अपनी बालकनी में रख दूंगी, जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट में नहीं रखना है, सनलाइट से ये सारी एवेपोरेट हो जाएगी इसकी मॉइस्चर और फिर बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसको मॉइस्ट भी रहना है, गर्मी भी चाहिए पर धूप नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह पे रख देंगे और मैं 2-3 दिन के बाद देखती हूँ कितनी जल्दी इसके अंकुरित होता है और फिर मैं इससे अपडेट आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों आशा है आप घर में अपना थोड़ा, कितनी खुशी होती है ना घर में, चाहे एक ही पौधा होगा, चाहे चेरी टोमेटो है तो बहुत ही सुंदर से लगता है, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह। तो चाहे एक ही पौधा मैं लगा पाऊंगी लेकिन उसको भी जो खुशी होगी अपने घर के पौधे से टमाटर तोड़ने की, वो एक गार्डनर ही समझ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एनकरेज करूंगी कि अपनी सब्जियां खुद उगाएं तो बहुत खुशी होगी, भले ही एक दो ही फल मिले, लेकिन आप जब उसको तोड़ेंगे और पकेगा पेड़ पे और उसको तोड़ेंगे और उसको खाएंगे, तो उसका एक तो स्वाद ही अलग होगा और दूसरा वो जो वो खुशी देगा उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, वो तो प्राइसलेस है। तो दोस्तों आशा है आपको, आप भी ऐसे, और सब्जियां भी मैंने और भी बीज मैं लाई हूँ, तो जैसे जैसे मैं लगाऊंगी वैसे वैसे मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी। तो आशा है दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों।